तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो पिछले 14 सालों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। शो के हर कैरेक्टर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। हालांकि पिछले कुछ सालों से कई सारे मशहूर सितारों ने इस शो का हाथ छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में शो के एक और मुख्य कलाकार टप्पू यानी राज अनादकट का नाम भी जुड़ गया है। बीते कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि टप्पू यानी राज तारक मेहता का उल्टा चश्मा से विदा लेने वाले हैं, लेकिन ऐसी खबरों को हमेशा अफवाह करार देते हुए उन्होंने टाल दिया। अब वाकई जब उन्होंने शो को छोड़ा तो खुद अपने फैंस को एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी और लिखा कि हेलो एवरीवन, अब समय आ गया है कि मैं सभी खबरों और बातों पर विराम लगा दूं और बता दूं कि अब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से अलग हो रहा हूं। राज आगे लिखते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक रूप से नीला फिल्म्स और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ खत्म होता है। ये एक अच्छी जर्नी थी जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस जर्नी में मेरा सपोर्ट किया। राज कहते हैं, तारक मेहता की पूरी टीम, मेरे दोस्त, परिवार और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने टप्पू के रूप में मुझे पसंद किया। आपका यही प्यार मुझे अच्छा करने की प्रेरणा देता है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को उनके भविष्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आप सबको एंटरटेन करूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपको बता दें कि राज ने शो में पहले टप्पू का किरदार निभा रहे भव्य गांधी को रिप्लेस किया था, जिसके बाद एक बार फिर नए टप्पू की तलाश जारी है। राज ने शो को छोड़ने के पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि अपने करियर की ग्रोथ के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे पहले हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक यानी शैलेश लोढ़ा को भी शो छोड़ते देखा है। अब ऐसे में वो कौन से पुराने कलाकार रहेंगे जो शो का हिस्सा बने रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।